राजस्थान में 3 महीने में चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच कई जगहों से चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। राजस्थान में हजारों मतदाताओं की एक से एक ज़्यादा वोटर कार्ड मिले हैं, जैसे जयपुर शहर का किशनपुर विधानसभा क्षेत्र। कांग्रेस का आरोप है कि यहाँ 19,000 से ज़्यादा मतदाता ऐसे हैं जिनके एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। उन्होंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। एक चैनल ने पड़ताल की और ऐसे कई मतदाता निकले जिनके कहीं ना कहीं 2 तो कहीं 3 तो कहीं 6 तक मतदाता पहचान पत्र बने हुए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। चुनाव आयोग की सूची में रुक्मणी देवी के नाम और पते से एक नहीं 3 वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। रुक्मणी देवी ने बताया कि उसे अभी पता चला कि उनके नाम से 3 वोटर कार्ड बने हुए हैं। उनकी भाभी मंजू जब मतदाताओं की सूची को गौर से देखती है तो हैरानी होती है। SPN नैनीजुर्म से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।